Hello students, I am going to start today's video with baking soda. Its formula is NaHCO3 and it is sodium bicarbonate. It is a salt. ये एक टाइप का salt है and इसके uses क्या क्या हैं? It is used in fire extinguisher to produce CO2. बच्चे हमने लास्ट क्लास में फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में पढ़ा था. फायर एक्सटिंग्विशर में सोडियम कार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट कराया जाता है. आप देख सकते हो इसकी रिएक्शन. सोडियम कार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन होती है एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर. फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए इस CO2 को यूज़ किया जाता है. ओके, तो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसको भी आप फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये CO2 गैस को प्रोड्यूस करता है. सेकेंड इज इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर. बेकिंग पाउडर बनाने में भी बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है. बच्चे बेकिंग पाउडर का यूज़ केक बनाने में किया जाता है. बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा में थोड़ा एडिबल एसिड मिक्स किया जाता है. जब हम एडिबल एसिड मिक्स कर देते हैं तो ये बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है. नेक्स्ट इज इट इज़ यूज्ड इन मेडिसिन टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन स्टमक. बेकिंग सोडा का यूज़ मेडिसिन के फॉर्म में भी होता है. अगर आपके स्टमक में एसिडिटी हो जाए तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है. चूँकि बेकिंग सोडा का नेचर बेसिक है तो ये बेस स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करता है. नेक्स्ट इन लॉन्ड्रीज एंड सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर वॉशिंग सोडा इज यूज्ड. लॉन्ड्रीज में कपड़े धोने में एंड सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर. सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर मीन्स हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए भी वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट सॉल्ट इज पोटाशियम नाइट्रेट. इट्स फॉर्मूला इज KNO3 एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज नाइटर. इसका यूज़ गन पाउडर फायरवर्क एंड ग्लासेस बनाने में किया जाता है एंड ये फर्टिलाइज़र की तरह भी यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज पोटाश एलम जिसको हम घरों में फिटकरी के नाम से भी जानते हैं. इसका यूज़ एंटीसेप्टिक की तरह किया जाता है एंड इन डाइंग. डाइंग मीन्स कलरिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है. ओके, इट इज़ यूज एज कोएगुलेटिंग एजेंट. ये कोगुलेटिंग एजेंट की तरह वर्क करता है. दैट मीन्स अगर इसको आप वाटर में मिक्स करोगे तो वाटर में जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो सारी एक जगह इकट्ठी हो जाती है. ओके, नेक्स्ट इज प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर. वाटर की प्योरिफिकेशन में इसका यूज़ होता है. इन लेदर टैनिंग, लेदर की टैनिंग में भी पोटाश एलम का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ. एवरीडे लाइफ में इस न्यूट्रलाइजेशन का मीन्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का कैसे यूज़ होता है उसको हम देखेंगे. बच्चे फर्स्ट इज इनडाइजेशन. आवर स्टमक सेक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू डाइजेस्ट फूड. बच्चे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक HCl सेक्रेट करता है लेकिन कभी कभी एक्सेस अमाउंट एसिड सेक्रेट होती है जिसकी वजह से हमारे स्टमक में बर्निंग सेंसेशन या पेन हो जाता है. उससे रिलीफ के लिए हम एंटासिड का यूज़ करते हैं जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है. बच्चे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस. ये बेस आपके स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है जिससे आपको पेन से रिलीफ मिलती है. नेक्स्ट इज एंट स्टिंग. जब एंट आपको बाइट करती है तो आपको ईची फीलिंग होता है, पेन भी होता है. वाई? बिकॉज जब ये बाइट करती है तो एक एसिड सेक्रेट करती है आपकी बॉडी पे जिसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड. ओके, इस एसिड की वजह से ही आपको बर्निंग सेंसेशन होता है. स्टिंग के इफेक्ट को कम करने के लिए आप उस पर मॉइस्ट बेकिंग सोडा को रब कर सकते हो या फिर कैलामाइन सॉल्यूशन को रब कर सकते हो. चूँकि इसका नेचर बेसिक होता है तो वो इस फॉर्मिक एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है. नेक्स्ट इज सॉइल ट्रीटमेंट. एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र. केमिकल फर्टिलाइज़र के एक्सेसिव यूज़ से सॉइल हमारा एसिडिक हो जाता है एंड प्लांट्स
आर अनेबल टू ग्रो इन सॉइल. प्लांट्स जो है ना ही ज़्यादा एसिडिक सॉइल में ग्रो कर सकते हैं, ना ही ज़्यादा बेसिक सॉइल में ग्रो कर पाते हैं. जब सॉइल ज़्यादा एसिडिक होता है देन इनको ट्रीट करने के लिए मीन्स इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कुछ बेसिस को डालते हैं. बेसिस जैसे कि क्विक लाइम जिसको कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं, या फिर स्लैक्ट लाइम को हम ऐड करते हैं जिससे हमारा सॉइल की एसिडिटी कम हो जाए. क्लियर? सॉइल का एसिडिक नेचर कम हो जाए, एसिडिटी नहीं, एसिडिक नेचर. ओके, अगर सॉइल आपका बेसिक है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उसमें ऑर्गेनिक मैटर यूज़ करते हैं. बच्चे, ऑर्गेनिक मैटर मीन्स जो आपके प्लांट्स, डेड प्लांट्स के पार्ट हो गए, वैसे पार्ट जो डेड हो जाते हैं प्लांट के, जैसे लीफ हो गया, या फिर घर के जो भी आपके वेजिटेबल पील्स हैं जिसको आप बाहर फेंकते हो उसको भी आप सॉइल में मिक्स करो कर सकते हो. तो ये क्या करेंगे, ये जो ऑर्गेनिक मैटर कहलाते हैं ये एसिड को सेक्रीट करते हैं, ठीक है, और ये एसिड सॉइल के बेस को न्यूट्रलाइज करता है जिससे हमारा सॉइल परफेक्ट हो जाता है फॉर द प्लांट. ओके, नेक्स्ट इज फैक्ट्री एफ्लुएंस. फैक्ट्री से निकलने वाली चीज़ों के बारे में बताया गया. बच्चे, फैक्ट्री में बहुत सारी वेस्ट जनरेट होती है जिनमें एसिड होते हैं. अगर इन वेस्ट को हम वाटर में मिक्स कर देंगे मीन्स रिवर में अगर आप इनको फ्लो कर दोगे तो क्या होगा, रिवर में जो फिश हैं उन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो मर जाएंगे, ठीक है. तो ये जो फैक्ट्री वेस्ट है इनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं अगर हम उनमें बेसिक सब्सटेंस को ऐड करते हैं. क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. थैंक यू.